दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाला हूं मैं यहां पर दो चिपसेट की, दोनों का कंपैरिजन करूंगा। एक आता है स्नैपड्रैगन की तरफ से स्नैपड्रैगन 680 और दूसरा आता है डायमेंसिटी 700 जो कि मीडियाटेक की तरफ से आता है। एक 5G है, एक 4G है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहां पर लॉन्च डेट की। स्नैपड्रैगन वाला जो है आपको अक्टूबर 2021 में देखने को मिला, जबकि डायमेंसिटी 700 जो है आपको नवंबर 2020 में देखने को मिला। कोर एंड प्रोसेस की बात कर लेते हैं। दोनों ही चिपसेट में आपको 8 कोर देखने को मिलते हैं, ARM वर्जन 8 देखने को मिलता है, 64 बिट पर बने हुए हैं। जो स्नैपड्रैगन वाला है वो जो है आपको 6 nm पे देखने को मिलता है, जबकि डायमेंसिटी वाला जो है आपको 7 nm पे देखने को मिलता है। आर्किटेक्चर की बात कर लेते हैं। पहले स्नैपड्रैगन की बात करें, यहाँ पर 4 कोर जो है आपको 2.4 GHz पे क्लॉक देखने को मिलते हैं, कोर्टेक्स A73 वाले जो कि दोस्तों पुराने कोर हैं, और बाकी 4 कोर जो है आपको 1.9 GHz पे देखने को मिलते हैं, कोर्टेक्स A53 वाले। अगर यहाँ पर डायमेंसिटी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपको 2 कोर जो है 2.2 GHz पे देखने को मिलते हैं, कोर्टेक्स A76 वाले, और बाकी के 6 कोर जो है आपको 2.0 GHz पे देखने को मिलते हैं, कोर्टेक्स A55 वाले। तो यहाँ पर जो है आपको कोर्स जो है यहाँ पर आपको लेटेस्ट देखने को मिलते हैं डायमेंसिटी 700 पे। तो GPU की बात कर लेते हैं, तो स्नैपड्रैगन में जो है आपको एड्रीनो 610 GPU देखने को मिलता है। आर्किटेक्चर की बात करें तो एड्रीनो 600 मिलता है, और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है आपको 1100 MHz की देखने को मिलती है। डायमेंसिटी 700 की बात करें, यहाँ पर जो आपको GPU मिलता है माली G57MC2 आर्किटेक्चर वॉलहाल मिलता है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको जो है 950 MHz की देखने को मिल जाती है। रैम सपोर्ट की बात कर लेते हैं, दोनों में ही जो है आपको LPDDR4X वाली रैम मिलती है। फ्रीक्वेंसी दोनों की जो है सेम मिलती है, 2133 MHz की। दोनों ही डुअल चैनल रैम है। बैंडविड्थ की बात कर लेते हैं, बैंडविड्थ भी लगभग जो है ऑलमोस्ट जो है सेम आपको देखने को मिलती है। बाकी अगर 680 की बात करें तो यहाँ जो है 8 GB तक का जो है सपोर्ट देखने को मिलता है रैम का, जबकि डायमेंसिटी 700 में जो है आपको 12 GB तक का जो है सपोर्ट देखने को मिलता है। स्टोरेज की बात कर लेते हैं, दोनों में ही जो है आपको eMMC 5.1 से जो है UPS 2.2 तक का जो है सपोर्ट देखने को मिलता है। डिस्प्ले की बात कर लेते हैं, स्नैपड्रैगन में दोस्तों आपको जो है फुल HD में जो है आपको 90Hz तक का जो है सपोर्ट मिलता है, जबकि डायमेंसिटी 700 में जो है आपको फुल HD प्लस में जो है आपको 120Hz तक का जो है सपोर्ट देखने को मिलता है। कैमरास की बात कर लेते हैं, स्नैपड्रैगन वाले में जो है 64 MP सिंगल कैमरा, डुअल कैमरा जो है 16 MP का सपोर्ट मिलता है, जबकि डायमेंसिटी 700 में जो है आपको सिंगल कैमरा जो है यहाँ पर भी आपको 64 MP का, और जो है यहाँ पर डुअल कैमरा जो है 16 MP का जो है सपोर्ट देखने को मिलता है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात कर लेते हैं, स्नैपड्रैगन की बात करें यहाँ पर जो है 1K 60fps तक का सपोर्ट मिलता है, जबकि डायमेंसिटी वाले में जो है आपको यहाँ पर 2K जो है 30fps तक का जो है सपोर्ट देखने को मिलता है। सेलुलर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर दोस्तों ये जो डायमेंसिटी 700 है इसमें आपको 5G मिलता है, बाकी अगर जो है 680 की बात कर लेते हैं यहाँ पर LTE Cat 13 मिलता है, बाकी 4G वोल्टी और 2G 3G सारी की सारी चीज़ें मिलती हैं, और डायमेंसिटी वाले में जो है आपको LTE Cat जो है 18 देखने को मिलता है, बाकी जो है 4G LTE वोल्टी 3G और 2G जो है इसमें देखने को मिल जाता है। डाउनलोड और अपलोड स्पीड की बात कर लेते हैं, स्नैपड्रैगन में दोस्तों आपको जो डाउनलोड स्पीड है यहाँ पर 390 MBPS की मिलती है, अपलोड स्पीड जो है आपको 150 MBPS की। अगर दूसरी तरफ बात करें डायमेंसिटी 700 की तो यहाँ पर जो है डाउनलोड स्पीड आपको 1200 MBPS की मिलती है, और जो है अपलोड स्पीड जो है आपको 211 MBPS की। ब्लूटूथ वाईफाई की बात करें, दोनों में ही जो है आपको वाईफाई 5 मिलता है, और जो है ब्लूटूथ 5.1 का जो है सपोर्ट देखने को मिलता है। नेविगेशन में भी दोस्तों दोनों ही जो है ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ पर जो है आपको दोनों में ही नाविक का भी सपोर्ट जो है देखने को मिलता है। अंतत स्कोर की बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो है एक डिफरेंस निकल के आता है, जो 680 है यानी स्नैपड्रैगन वाला, इसमें जो है आपको 266103 का लगभग स्कोर देखने को मिलता है, जबकि डायमेंसिटी 700 में जो है आपको 341192 यानी कि जो है लगभग 3.5 लाख के करीब जो है स्कोर देखने को मिलता है। गीकबेंच 5 की बात कर लेते हैं, स्नैपड्रैगन में जो है आपको सिंगल कोर में 371 का स्कोर मिलता है, मल्टी कोर में जो है 1542 का, जबकि दोस्तों डायमेंसिटी 700 में जो है आपको सिंगल कोर जो है 566 का, मल्टी कोर में जो है 1734 का स्कोर देखने को मिलता है। दोस्तों विनर की बात कर लेते हैं, यहाँ पर दोस्तों जो डायमेंसिटी 700 है ये जो है क्लियरली विनर निकल के आता है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपको जो है जो इसका GPU है आपको पावरफुल देखने को मिलता है, भले ही इसमें फ्रीक्वेंसी आपको 950 MHz की मिलती है, मगर दोस्तों इसके जो जो ये GPU है लेटेस्ट है, और बाकी जो है कोर्स भी यहाँ पर आपको लेटेस्ट देखने को मिलते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं दोस्तों। यहाँ पर जो है आपको 5G का सपोर्ट मिलता है, इसलिए दोस्तों ये विनर हो जाता है। बाकी
अगर आपका कोई क्वेश्चन है इन दोनों के कंपेरिजन से तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना, नहीं आया डिसलाइक करना, मुझे बताना दोस्तों कमेंट में जो है आपको वीडियो पसंद क्यों नहीं आया। तो दोस्तों आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बैठेगा अपना ख्याल रखेगा।